ओके दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को आज का स्टेटस जो आप लोग अभी स्टार्टिंग में जो स्टेटस आपने देखा दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों इसमें बहुत सारा आप लोगों को न्यू इफेक्ट देखने को मिला होगा जो कि दोस्तों काफ़ी समय देखकर इस इफेक्ट को बनाया गया है। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो को बनाना है तो कंप्लीट देखना जाएगा, ठीक है, तब आप लोग इस वीडियो को बना सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस है, आप लोग देखे होंगे इसमें बहुत सारा न्यू इफेक्ट भी लगा है, तो उसको भी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, लाइटबॉक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है और सॉन्ग बिटमैप और सेक इफेक्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से इंपोर्ट कर लेना है। मैं दोनों का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और वीडियो क्लिप का लिंक एक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर लेना है, जो कि सब चीज़ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए वायरल सॉन्ग बीटमार और फुल प्रोजेक्ट चेक इफेक्ट, आपको ये दो चीज़ मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले आप लोग को दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लसिंग क्लिक करना है, 9.16 के रेशियो लेना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करके प्लसिंग क्लिक करना है और मीडिया ऐप जाकर यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक फोटो ले लेना है, ठीक है। वो जो भी फोटो का स्टेटस बनाना चाहते हैं, मान लीजिए फोटो लेता हूँ और मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा और यहाँ पर शेयर कैप में क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा शेयर कैप में क्लिक करूँगा और एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को PNG का ऑप्शन, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर PNG पर क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग होगा और यहाँ पर एक्सपोर्टिंग जब होगा तो यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो सेव कर लीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा, फिर इसको डिलीट कर देना है, फिर यहाँ पर प्लसिंग क्लिक करके फिर से मीडिया जाकर फिर से दूसरा कोई फोटो ऐड करके ये सारा फोटो तो सबको फुल स्क्रीन में मतलब कि आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, शेयर कैम क्लिक करना है, PNG करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से कम आपके पास 10-15 फोटो को PNG का लेना है कि दोस्तों इसी साइज का फोटो का PNG लगेगा। मैं जो भी प्रोजेक्ट फुल प्रोजेक्ट रेडी करके दिया हूँ दोस्तों, उसमें फोटो रिप्लेस करने का यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सो ये आप लोग कर लीजिएगा, बात क्लोज करके देखिए इसको डिलीट कर देना है। इस प्रकार से 10-15 फोटो को PNG कर लेना है, इस वजह से बैक करके न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा, इसको पकड़ के आप डिलीट कर देना क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट मैं कर देता हूँ, अब हमारा लोग का काम है वायरल सॉन्ग बिटमार और यहाँ पे फुल प्रोजेक्ट सेक इफेक्ट बाय विनय स्टेटस, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वायरल सॉन्ग बीटमार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा जो दोस्तों फुल प्रोजेक्ट रेडी है, आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये स्टार्टिंग में आएंगे, प्लसिंग क्लिक करके मीडिया जाके यहाँ पर कोई भी साइज का एक फोटो हमने ले लिया, ठीक है। अब लेने के बाद यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन में करूँगा, अब फुल स्क्रीन बाद यहाँ से बैक करके आप लोग सबसे पहले आप लोग इधर आ जाना है, ठीक है, इधर रहिए, ठीक है। इतना सेकंड तक मैं बताता हूँ जहाँ तक आप लोग को लेयर ये जहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ लेयर खत्म हो रहा है 22.39 सेकंड, ठीक है। तो 22.39 सेकंड सबसे पहले हम लोग को यहाँ तक आ जाना है, उसके बाद से जो हमने फोटो लिया है इस फोटो पर क्लिक करके हम लोग इसके यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग में आकर और इधर क्लिक करेंगे इधर साइड में और इसको सबसे पहले हम लोग नीचे लेके जाएंगे, एकदम नीचे, ठीक है, ये गाने के ऊपर लगा देंगे, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से बैक करके आप लोग को फुल प्रोजेक्ट सेक इफेक्ट में आना है और दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट लाइफ इफेक्ट ये आप लोग को मिल रहा है, इस
और देखिए दोस्तों यहाँ पर आइकन जो है बंद है, आप लोग इसको चालू कर देना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग को तीन लेयर मतलब कि चार लेयर पाँच लेयर मिल रहा है, लेकिन दो लेयर का ये और ये छूछा नहीं करना है क्योंकि मैं परफेक्ट तरीके से बैठाया हूँ। अब देखिए ये दोनों पर क्लिक करना है, कलर पर जाना है, इस पर क्लिक करके बस यहाँ पर फोटो को रिप्लेस कर लेना है। यहाँ पर देखिए फोटो दोनों मतलब कि फोटो आपको बस रिप्लेस करना है यहाँ पर, बस ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है मेरे वीडियो में, आप लोग को हर वीडियो का आपको बस फोटो ही रिप्लेस करना रहता है। तो देखिए जैसे मैं फोटो रिप्लेस कर लिया तीनों में, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया ये वाला फोटो। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया, अब देखिए आगे आ जाएंगे और आगे आप लोग को खाली गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से लेकर पहले देखिए यहाँ पर देखिए 22.39 सेकेंड से प्लस इन क्लिक करके मीडिया आप जाकर सबसे पहले फोटो ऐड करेंगे, फुल स्क्रीन में कर लेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 9.16 ग्रेस हुए तो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो फोटो, यहाँ पर तीन फोटो और यहाँ पर चार फोटो और यहाँ पे पांच फोटो, टोटल पांच फोटो सबसे पहले ले लेना है। तो मान लीजिए वाला फोटो कौन से लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पांच फोटो मैंने ले लिया, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच फोटो ले लिया। पांच फोटो में कौन सा ही फेड लगेगा इसके लिए बैक करेंगे, सेकंड फेड में आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर दो नंबर पर हम लोग यहाँ पर आगे आएंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट लाइव इफेक्ट ये मिल रहा है आप लोग को, इस पर क्लिक करके इफेक्ट क्लिक करके थ्री पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ये वाला देखिए, ये वाला ये तीन लेयर के छोड़ देना क्योंकि अभी इसका काम तो हो चुका है ना, ये वाला भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आगे आप लोग एकदम देखिए फुल प्रोजेक्ट है, दिक्कत मत लीजिएगा, अभी वीडियो को देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे और जो हमने पांच फोटो लिया, पांचों फोटो को इसी वाला इफेक्ट को हम लोग पेस्ट कर देंगे, जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ आप लोग को भी इस प्रकार से ही पेस्ट करना है। तो फटाफट से पांच फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पर पांचों फोटो में मेरा फोटो को पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब फोटो को पेस्ट कर लिए, आगे आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक गैप देखने को मिल रहा है ना, ये बीट थोड़ा दूरी पर है, ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर वीडियो क्लिप लगेगा। प्लस क्लिक करके मीडिया जाके यहाँ पर एक वीडियो क्लिप दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर 2 सेकंड का वीडियो क्लिप रहेगा, लगा लीजिएगा, ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा को कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 28.07 सेकंड, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का काम आता है, ठीक है, 28.07 सेकंड यहाँ से लेके अब पूरा फुल प्रोजेक्ट रेडी है, समझिएगा। बैक करके सेकंड फेड में आएंगे और दोस्तों इधर आएंगे और यहाँ पर देखिए, ये देखिए इतना मैं गैप दिया हूँ कि आप लोग को बुझाए कि यहाँ से आप लोग को यहाँ से आप कॉपी करना है, ठीक है। अब ये सारा काम हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये वाला काम हो गया है, ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। अब बात रहती है ये डबल लेयर से, ठीक है, यहाँ से देखिए अब इधर साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इधर करेंगे और देखिए मतलब आप कुछ नहीं करना है, इसको क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल लेयर्स पर क्लिक करना है, ये डबल बॉक्स पर, ठीक है, सेलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करिएगा और जो जो हमने काम कर लिया इधर का छुड़ा देंगे बस, ठीक है। यहाँ पर मैंने छुड़ा दिया, यहाँ पर चार लेयर में छुड़ा दिया, 18 आप लोग को टोटल 18 लेयर्स पे इस पर डबल से क्लिक करके कॉपी 18 लेयर्स पर क्लिक करना है, ध्यान रहे आप लोग 18 ही लेयर से कॉपी करना है, ये सबको चार को छुड़ा देना है, ठीक है, ध्यान रहे। आप कॉपी कर लिए, इसके बाद यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पे वायरल सॉन्ग बीट मार्क में फिर से चलेंगे, एंट्री मारेंगे और जहाँ से हम लोग वीडियो क्लिप लगा लिए हैं उसके बाद से हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, 28.07 पे यहाँ पर जैसे पेस्ट करेंगे अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारा इफेक्ट बैठ गया, ठीक है, यहाँ से लेके बस यहाँ तक बैठ रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी गैप है, ठीक है। तो समझिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे और देखिए सबसे पहले हम लोग फोटो सारे में रिफ्लेस करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके कलर में जाके सिंपली इस पर क्लिक करके फोटो को रिफ्लेस कर लेंगे सारे में, ठीक है। तो मैं फटाफट से पहले फोटो को रिफ्लेस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सारा मैं फोटो को रिफ्रेश कर लिया हूँ, आप लोग को सिंपली इसी प्रकार से फोटो को रिफ्रेश करना है। और जहाँ पर टू लेयर है मतलब कि दो लेयर एक ही पे है, तो आप लोग उस फोटो को जो भी फोटो लगाएंगे एक ही फोटो लगाएंगे दोनों फोटो में, ठीक है। देखिए जैसे मैं लगाया हूँ इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ पर इस प्रकार सही कर लीजिएगा अगर आप लोग गलत किए हैं तो। अब देखिए आगे आ जाएंगे और आगे आने के दोस्तों आप लोग को देखिए यहाँ से कि यहाँ तक गैप चल रहा है ना, ये देखिए ये गैप चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाला लेयर के कॉपी कर लेंगे डबल बॉक्स पर क्लिक कर, एक लेयर को मान लें, एक लेयर के लास्ट वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे पेस्ट लेयर, इस प्रकार से थोड़ा सा मिलाएंगे और इसमें यहाँ पर मतलब कि पूरे पेस्ट कर लेंगे एकदम लास्ट तक, ठीक है, यहाँ से लेके अब इसी वाला इफेक्ट को मतलब कि पेस्ट करते लास्ट तक लगा देंगे, पूरा लास्ट तक इसी वाला इफेक्ट को दम यहाँ पर पेस्ट लेयर कर लेंगे एकदम लास्ट तक और बिट के हिसाब से हम लोग इसको कट भी कर लेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर पेस्ट लास्ट तक कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेस्ट जब लास्ट तक कर लेंगे तो इस सारे में आप लोग को अलग अलग इसी वाला इफेक्ट को पेस्ट अलग अलग मतलब कि फोटो को रिफ्लेस कर लेना है। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला इफेक्ट जो था इसको बस आप लोग कॉपी कर लेना है और यहाँ पर देखिए कॉपी के मतलब सारे बिट के हिसाब से इसको पेस्ट कर देना है।
उसके बाद दोस्तों इसी वाला इफेक्ट को आप लोगों को मतलब कि दूसरा दूसरा फोटो को लगा लेना, रिप्लेस कर लेना। तो जो ये आप सब काम कर लेंगे तो आप लोगों को वीडियो कंप्लीट रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर शेयर कर क्लिक करना और वीडियो को आप लोग एक्सपोर्ट कर लेना। और इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।